भड़काऊ भाषण केस में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलों वधी। गुजरात आ जिल्ला में त्रीजो किस्सो सामे आव्यो। जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण आपनार मौलाना की मुश्किलों में फरी एक बार वधारो थयो छे। अरवली पोलीसे मौलाना विरुद्ध भड़काऊ भाषण आपवा बदल केस नोंध्यो छे। अरवली पोलीस मौलाना ने कच्छ पोलीस की कस्टडी में मुक्त करता तेनी धरपकड़ करी शके छे। जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण आपवा बदल पोलीस द्वारा धरपकड़ करायेला मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी फरी एक बार मुश्किली में मुकाया छे। जूनागढ़ और कच्छ बाद हवे अरवली पोलीसे मौलाना सामे गुनो नोंध्यो छे। हाल मौलाना कच्छ पोलीस की कस्टडी में छे अने त्रण दिवसना रिमांड पर छे। रिमांड पूर्ण थया बाद अरवली पोलीस तेनी धरपकड़ करी शके छे। मौलानाए डिसेम्बर में भाषण आप्यु हतु। भड़काऊ भाषणों आपवामां मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलों ओछी थती जणाती नथी। अरवली पोलीसे मौलाना विरुद्ध गुनो नोंध्यो छे। आ मौलाना विरुद्ध गुजरात में त्रीजी फरियाद नोंधाई छे। 24 डिसेम्बर 2023 ना रोज भड़काऊ भाषण आपवा बदल केस नोंधवामां आव्यो छे। कच्छ जिला पोलीसना कब्जामांथी मुक्त थता ज अरवली पोलीस तेनी धरपकड़ करी शके छे। जूनागढ़ में भाषणों वीडियो वायरल थयो हतो। उल्लेखनीय छे के जूनागढ़ में एक खुला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में तेने नफरत भर्यु भाषण आप्यु हतु। तेमना भाषणों वीडियो सोशियल मीडिया पर वायरल थयो हतो। आ पछी मौलाना मुफ्ती और कार्यक्रम स्थानिक आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेद्रा विरुद्ध FIR नोंधवामां आवी हती। आ केस में पोलीसे पोते फरियादी तरीके गुनो नोंध्यो हतो। जूनागढ़ बे डिविजन में अजहरी सहित त्रण लोको सामे फरियाद नोंधाई हती। मौलाना विरुद्ध IPC की कलम 153B और 505B हेठ केस नोंधवामां आव्यो हतो। ये मारो फोन लेता हूं। 24 दिसंबर को मोड़ासा टाउन के अंदर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अंदर मौलाना सलमान अजहरी घाटकोपर बम्बई से उसने प्रवचन किया था। इसके अंदर उसने अन्य धर्म के लोगों की धार्मिक लागणी को ठेस पहुँचे ऐसी लैंग्वेज में स्पीच दिया था और अनुसूचित जाति के आदमियों को लोगों के खिलाफ भी उसने निम्न कक्षा की भाषा में बात की थी। इसी वजह से मोड़ासा टाउन के अंदर एट्रोसिटी एक्ट के तहत गुना रजिस्टर किया गया है और मौलाना की धरपकड़ करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।